वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जावा की तरफ से आने वाली ऑल न्यू यजदी रोड किंग की लॉन्च डिटेल। जावा ऑलरेडी 3 मोटरसाइकिल को सेल कर रही है, जिनमें आपको जावा 42 एंड पेरेक। जावा अपनी मोटरसाइकिल की लाइनअप को काफी एक्सपेंड कर रहा है। जावा न्यू अपकमिंग स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल पे भी वर्क कर रहे हैं, जिसको बहुत ही जल्द जावा कंपनी इंडिया में लॉन्च करेगी। जावा ने अपकमिंग यजदी मोटरसाइकिल का नेम भी रजिस्टर कर लिया है, जो कि यजदी रोड किंग होगा। यजदी रोड किंग काफ़ी पॉपुलर मोटरसाइकिल था जावा की तरफ से, एंड टोटली ये बाइक तब मेड इन इंडिया था। यजदी रोड किंग ने डेब्यू किया था इंडिया में 1978 में, एंड 1996 तक इस बाइक ने काफ़ी अच्छा फेम हासिल किया। लगभग 18 ईयर्स बाद इस बाइक को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया यजदी ने। यजदी रोड किंग को कंपनी ने फिर से रिलॉन्च करने का मन बना लिया है, एंड ये बाइक टोटली एक स्क्रैम्बलर बेस्ड बाइक होगा। कंपनी ने इस बाइक का अकेला नेम ही रजिस्टर नहीं किया, इस बाइक की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। डेली अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो। तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। यजदी रोड किंग टोटली न्यू प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन किया गया है, एंड इसमें आपको हार्ड कोर स्क्रैम्बलर बाइक के लुक्स भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में इसमें आपको लॉन्ग ट्रेवल फ्रंट सस्पेंशन भी मिल जाएगा, एंड इसमें आपको फुटबैक सेंटर सेट पोजीशन पे मिल जाएंगे, जिसके कारण इस बाइक में आपको मोर राइडिंग कंफर्ट भी मिलेगा। एंड इसमें आपको अपवर्ड टॉल हैंडल बार्स भी मिल जाएंगे फॉर इजी राइडिंग एंड हैंडलिंग, एंड इसमें आपको स्मॉल टायर हगर भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको शॉर्ट टेल भी मिलेगी, एंड इसमें आपको फ्लैट सिंगल सीट भी मिल जाएगी। इस बाइक में आपको स्लीक एंड स्पोर्टी फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, एंड इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिल जाएंगे। वैसे तो जो स्पोक व्हील्स हैं वो काफ़ी परफेक्ट रहेंगे ऑफ रोडिंग के लिए, एंड इसमें आपको अपवर्ड माउंटेड ड्यूल एग्जॉस्ट भी मिल जाएगा। रेयर में इसमें आपको स्मॉल LED टेल लाइट भी मिल जाएगी, एंड इसमें आपको ड्यूल शॉक ऑब्जर्वर भी मिल जाएगा। ये बाइक ड्यूल पर्पस बाइक रहने वाला है। इस बाइक के साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे, एंड इस बाइक के साथ आप सिटी राइड भी इंजॉय कर पाएंगे। अगर हम यजदी रोड किंग के फीचर्स की बात करेंगे, इस बाइक में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है विद MID मीटर, एंड इसमें आपको राउंड हेडलाइट मिल जाएगी विद DRLs, एंड इसमें आपको इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी लीकेट को मिलने वाली है, एंड इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इस बाइक के रेयर में आपको LED टेल लाइट भी मिल जाएगी, एंड इसमें आपको ट्विन एग्जॉस्ट भी मिल जाएगा। इस बाइक के रेयर में आपको स्मॉल टायर हगर भी मिलेगा। अगर हम इस बाइक के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। रेयर सस्पेंशन में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के डिस्क ब्रेक साइज की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको 280mm सिंगल डिस्क देखने को मिलेगा। रेयर डिस्क का साइज इसमें आपको 240mm सिंगल डिस्क मिल जाएगा। अगर हम यजदी रोड किंग के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, इस बाइक में आपको सेम इंजन मिलने वाला है जो आपको जावा 42 में मिलता है। इस बाइक में भी आपको सेम इंजन मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इसमें आपको 293cc का लीकेट कूल फोर स्ट्रोक FI इंजन मिल जाएगा। पावर इसमें आपको 27.3 HP की पावर जनरेट करेगा ये बाइक। टॉर्क इसमें आपको 27 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6-speed गियर मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक इस बाइक में आपको 12 L का मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के परफॉर्मेंस एंड एवरेज की बात करेंगे, टॉप स्पीड इस बाइक की आपको 135 km/h के हिसाब से मिलेगी, एंड इस बाइक की ऑल ओवर एवरेज आपको 35 km/L के हिसाब से ये बाइक एवरेज जनरेट कर देगा। इस बाइक में आपको टोटली स्क्रैम्बलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको बेटर हैंडलिंग भी मिल जाएगी। इस बाइक में आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी मिलेगा, एंड इसमें आपको डिसेंट एवरेज भी मिल जाएगी। एज सच इस बाइक में आपको कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे, एंड इसमें आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी जावा की तरफ से। अगर हम यजदी रोड किंग के प्राइस की बात करेंगे, इस बाइक का प्राइस आपको 1,80,000 एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगा। अगर हम यजदी रोड किंग के लॉन्च की बात करेंगे, इस बाइक का लॉन्च आपको इस ईयर के एंड तक देखने को मिलेगा। इस बाइक का लॉन्च आपको नवंबर 2021 में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।